Probably. Okay, left recording has been started. So quickly, let's move on to the other part of the ये हमारा फेमस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे क्वेश्चंस अभी तक के पास्ट पेपर मेंशन किए हुए हैं. शायद मैंने आपको ये भेज दिया था एग्जाम से पहले ही, जिसमें हमने 2021 के 2020 के पेपर्स भी ऐड किए थे. और नीचे से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ था, स्ट्रक्चर इन अ वे के ये कौन सी पेपर कितनी दफ़ा आया है. हमने ये नोटिस किया था, क्लास में भी कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि मीडिया कंजम्पशन, ऑडियंस, टारगेटिंग द ऑडियंस, मार्केटिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं. अब स्पेसिफिक पेपर में भी कंजम्पशन ऑडियंस का क्वेश्चन आया है 2021 में, जून 2020 में भी आया है, अक्टूबर 2019 में भी आया है. उसके अलावा टारगेटिंग द ऑडियंस भी 2020 में आया है. तो मुझे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मे बी. इट डज नॉट मीन कि आपको यही आना है तो हम बाकी नहीं करेंगे, आप बाकी भी करोगे, बट आई फील लाइक मे बी. ठीक हो गया. अच्छा क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं. व्हाई डिड आई से मार्केटिंग स्लैश टारगेट ऑडियंस या मीडिया कंजम्पशन एंड ऑडियंस. देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है, एंड आई थिंक मुझे कुछ विजुअली आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि विजुअल चीजें जो हैं समटाइम्स याद रहती हैं, दे फील टू बी लेस बोरिंग. So let me just open my Microsoft Word and draw a sketch for you. Let me reshare my screen. Here we go. Acha guys, dekho. Marketing. Jab phir product banti hai, to usko market kiya jata hai. Aur ek product masterpiece. बेकार है अगर वो ड्रॉअर में पड़ी हो, यूएसबी में फिल्म पड़ी हो, या मास्टरपीस है, दुनिया हिल के रह जाएगी, लेकिन वो अभी तक उसकी मार्केटिंग नहीं की तो इट्स यूजलेस. मार्केटिंग कर दी है लेकिन उसको ऑडियंस तक पहुंचाया नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, तो वो भी बेकार है. ठीक है, ग्लोबल अगर आप उसकी आउटरीच कराना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, डिफरेंट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. कॉमन सेंस की बात है, अभी मुश्किल बातें नहीं करना चाहते, उसको मुश्किल नहीं लेना, जस्ट कैजुअली सुनना. मार्केटिंग का क्वेश्चन है तो आप उसको, अच्छा मार्केटिंग होती है तो ऑडियंस तक पहुंचती है, और ऑडियंस जो है कंजम्पशन करती है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम टारगेटिंग ऑडियंस भी इसको कह सकते हैं. तो ये सारी चीजें एक ही चीज है. एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है मार्केटिंग का या ऑडियंस का या कंजम्पशन का और टारगेटिंग ऑडियंस, ये सब कुछ मार्केटिंग ही है. मार्केट की जाती है तो ऑडियंस तक पहुंचती है. ठीक, दूसरी बात, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाए और आप इसमें बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो, देखो फिल्म मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंजम्पशन नहीं है. आई वॉन्ट टू कीप योर माइक्स ऑन, सो आई वॉन्ट टू बी इंटरेक्टिव लेसन. जी आप मुझे बताएं, ऑल थ्री ऑफ यू, एम आई, डू यू थिंक इट्स सेंसिबल? जी सर. जी सर. ना देखो, फिल्म मेकर्स की तरफ से वो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंजम्पशन है. वो कंज्यूम करेंगे, वो मार्केट करेंगे या कंजम्पशन होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंजम्पशन होगी. डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे इसलिए कंजम्पशन नहीं हो रही. ठीक है, या और कोई फ्लॉ हो सकता है. फ्लॉक से भी याद आया, जैसे बहुत बड़ी एक एग्जांपल है सुसाइड स्क्वाड की, जो 2016 वाली है. सुसाइड स्क्वाड जो है क्रिटिक्स का बेकार स्टोरी, कि ये किस दुनिया में होता है कि गवर्नमेंट क्रिमिनल से हेल्प ले रही है टू फाइट अदर लीथल क्रिमिनल्स. ये तो किस स्टोरी शिट, अजीब सी है. बट फिल्म ने ब्लॉकबस्टर में रिकॉर्ड्स बनाए, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स बनाए, एंड मेनी पीपल लर्न फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी. उन्होंने अपनी क्लेवर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, टीजर्स के थ्रू ऑडियंस को एंगेज कर लिया, एंड ऑडियंस वर डाइंग टू सी द फिल्म की रिलीज हो, और हम देखे और वही हुआ. स्टोरी ठीक थी, एंटरटेन, मुझे तो एंटरटेनमेंट लगी, एंटरटेनिंग लगी, एंटरटेनमेंट हुई. क्रिटिक्स से देखी तो उन्होंने शुरू से ही उसको फ्लॉप करार दे दिया था कि ना 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 ना, ये क्या स्टोरी है, अजीब सी स्टोरी है. ठीक है, एक्शन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट डजंट मेक सेंस, नॉट क्लिकिंग अस,
बट स्टिल उसने बिजनेस किया बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, और उधर से कंजम्पशन हुई. और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ क्लास में, कंजम्पशन डज नॉट ओनली मीन वॉचिंग द एंटायर फिल्म, सिर्फ ये मतलब नहीं है कंजम्पशन का. कंजम्पशन का मतलब ये भी है कि फिल्म से रिलेटेड कोई छोटी सी खबर, गॉसिप, कोई ट्रेंड, कोई हैशटैग, कोई न्यूज, कोई टीजर, ट्रेलर, मर्चेंडाइज, उसका टॉय, हर चीज कंजम्पशन में फॉल करता है. और ये बातें दिल में नहीं रखनी, ये आपने एग्जाम में लिखनी है कि कंजम्पशन डज नॉट ओनली मीन दिस. आपने देखो अपना बिलीफ बताना है. याद रखना, अ बेस्ट थिंग अबाउट कैम्ब्रिज सिस्टम एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज रादर कैम्ब्रिज सिस्टम प्राइमरीली इज कि एग्जामिनर देखता है कि तुम क्या बिलीव करते हो, और अगर बिलीफ के अकॉर्डिंगली तुम क्या लिख रहे हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शुरू में शेयर कर रहे हो कि आई बिलीव कि कंजम्पशन ये चीजें भी होती हैं. अब आप उसको लेकर एग्जाम में लिखोगे, आपने पहले कंजम्पशन को डिफाइन कर दिया. लेट से कंजम्पशन का क्वेश्चन है, लेट से क्यों कहें, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. और आई होप मैंने वेटिंग रूम बंद कर दिया ताकि जो जब चाहे साइलेंटली ज्वाइन कर ले और फायदा ले ले. लेट्स लुक एट क्वेश्चन. स्पेसिमेन के देख लेते सबसे पहले. ये बहुत सी बातें हमने डिस्कस पहले की हुई हैं, ठीक है, जस्ट एक रीकैप ले रहे हैं. और अब थोड़ा वार्म अप हो रहे हैं, गियर अप हो रहे हैं. फिर मैंने आपको आज क्वेश्चन भी एक देना है करने के लिए, ठीक है, वो आप मुझे गूगल डॉक्स के थ्रू सबमिट करवाओगे. और जब मुझे लगेगा कि मजा आ रहा है तो अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास जो है डेज भी कम है और कैंपस की भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, और आप लोगों की क्या क्या रिस्पांस मुझे मिलता है उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा मैंने कितने फ्रीक्वेंसी से आपके ऑनलाइन क्लासेस करवानी है, कितनी फ्रीक्वेंटली आपको मैंने पास पेपर क्वेश्चन देने हैं. बट आई विश एंड आई वॉन्ट कुछ गूगल डॉक्स के थ्रू दूँ और कुछ मैं ऑन द स्पॉट लूँ. मतलब ये कि अगर हम और हम ना हर वीक में एक टॉपिक खत्म करेंगे, हम डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल्स टच कर चुके हैं. अभी तो सिर्फ आपको मजीद आईना दिखाना है कि अच्छा, अगर गलती से मैं भी जानबूझ के तरह नेगेटिव होके बात कर रहा हूँ, अगर गलती से मॉक्स में अच्छे एग्जाम अच्छे मार्क्स आ भी गए हैं एंड ऑफ ईयर में, तो इट डजंट मीन कि यार हमें मीडिया तो आ गया भाई को, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मीडिया को भी टाइम देना आता है, ठीक है. अब ये जो वीक है इसमें हम कंजम्पशन टच कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्लम थर्सडे को भी क्लास करेंगे, ठीक है. और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंशाल्लाह अगर हालात सेटल हो जाते हैं तो थर्सडे को फेस टू फेस क्लास करेंगे. वो सिर्फ आपकी सेफ्टी की खातिर, अभी तो हेड ऑफिस ने कहा भी नहीं था, मैंने खुद ही डिसीजन ले लिया कि नहीं ऑनलाइन ही होनी चाहिए. अगर सब कुछ ठीक हुआ थर्सडे को, क्योंकि एम्बिग्विटी होती है ना, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं लेकिन वो होती नहीं है. एनीवेज, तो अगर सिर्फ सब कुछ ठीक हो तो थर्सडे को फेस टू फेस क्लास होगी. उस क्लास में आपके सामने अपने अपने सामने आपसे ऑन द स्पॉट एक 40 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. तभी आपको अब एग्जाम प्रेशर देना चाह रहा हूँ, आपको पता चले कि यार हमारे साथ होनी क्या है, ठीक है. सो आई होप इट्स इट विल बी अ वेरी फन एक्टिविटी. और जो भी आता होगा आपने उसको जस्ट लिख डालना है. अच्छा, क्वेश्चन है दो क्वेश्चन. ये दोनों देखो वही बात है, एक तरफ से मार्केटिंग, दूसरी तरफ से कंजम्पशन. कंजम्पशन का पहला क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट हैव सोशल मीडिया ऑल्टर्ड हाउ मीडिया प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड. किस हद तक सोशल मीडिया ने ऑल्टर कर दिया है. आई एम गोइंग बैक टू माई वर्ड. अब वर्ड पे अब हम जरा इस क्वेश्चन को लिखते हैं और इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सबसे पहले क्या होगा, एंड इन एन आइडियल रिस्पॉन्स आप बताओगे कंजम्पशन है क्या. डिफाइन योर या शेयर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजम्पशन, क्या है कंजम्पशन आपको बताना है. उसके बाद लेकिन बहुत क्विकली ब्रीफली, Why you have you would be left with marginally maybe 40 minutes. तो बहुत क्विकली, लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाना जमाल. तुम जाते हो, तुम्हारा पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा और बहुत बड़ा मेस हो जाएगा. कंक्लूजन रह गया तो 5 मार्क्स गए, कम से कम 5 मार्क्स गए. और वो मैं इस तरह सोचता हूँ कि चलो यार, इंट्रोडक्शन कितने मार्क्स, बॉडी कितने मार्क्स, केस स्टडी कितने मार्क्स एंड कंक्लूजन कितने मार्क्स.
हो सके कंक्लूजन के बजाय टोटल इम्पैक्ट ही चेंज हो जाए और वो और मार्क्स लूज कर जाओ, 7-8 मार्क्स खुदा ना खासा लूज कर जाओ. सो टाइम टू कीप चेक ऑन टाइम. ओके एरियल 20, चलो डिफाइन अंडरस्टैंड. अच्छा उसके बाद आपने डिफाइन करना है कि सोशल मीडिया है क्या. सोशल मीडिया एंड ऑल्सो फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या आउटलेट्स जो मर्जी आप सो कह लो, आपने ये बताना है. क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट. आप पहले बेस दे रहे हो, डायरेक्ट जंप नहीं कर रहे. थर्ड राइट क्लियरली योर पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत क्लियरली आपने बता देना है कि व्हाट यू बिलीव, टू व्हाट एक्सटेंट. अगर आपको लगता है कि इसने ह्यूज चेंज लेकर आया है, जायनॉमस इनॉर्मस वट एवर, कि सब कुछ ही बदल दिया, जिसे बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि सब कुछ बदल गया, राइट, इंटायर इंडस्ट्री के रूल्स चेंज हो गए, अगर इफ यू बिलीव दिस. और मैं भी आप कहते तो नहीं, ठीक है चेंज आया, लेकिन पुराने सिस्टम चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई इतनी बड़ी क्यामत नहीं. सोशल मीडिया ना भी होता तो पहले भी फिल्म मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करती थी ना, कोई ऐसा सीन नहीं है. आपकी मर्जी, बट जो भी आपका पॉइंट है आपने क्लियर कट मेंशन करना है. आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट सोशल मीडिया हैज एनॉर्मसली ऑल्टर्ड, इंटायरली चेंज्ड एंड ऑल्टर्ड हाउ द वे मीडिया प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड इन टुडेज वर्ल्ड. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो मैं क्लियर लिख दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें डू नॉट फॉरगेट टू रीयूज वर्डिंग, वर्डिंग बोलना चाहिए, वर्डिंग ऑफ ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इससे लगता है कि लड़का ट्रैक पे है. जैसे बचपन में मैं नहीं आता था तो सिर्फ क्वेश्चन लिख के ही क्वेश्चन में से आंसर निकाल लेते थे, फिर रिमेंबर कॉम्प्रिहेंशन में से. तो वो काम यहाँ पे जरूरी है ताकि एग्जामिनर को कोई एम्बिग्विटी ना हो कि आप क्या कह रहे हो. आप वही वर्ड यूज कर रहे हो कि हैज इंटायरली ऑल्टर्ड और चेंज द वे मीडिया प्रोडक्ट, ये नहीं कहता ना हाउ मीडिया प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेना, द वे मीडिया प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड. अच्छा उसके बाद आप बताओगे मे बी के टू सपोर्ट माई पॉइंट या इंट्रोड्यूस योर केस स्टडीज. ठीक है, इकट्ठी एंड आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में बात करना, या पहले स्टेप बाय स्टेप कर लो, आपकी मर्जी पे है. अच्छा एक और चीज, केस स्टडी से पहले फैक्ट्स फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स दे आर वेरी ऑलवेज वेरी इंप्रेसिव, आर वेरी इंप्रेसिव टू रीड, आर वेरी यूजफुल टू इम्प्रेस कह लो, इम्प्रेस योर एग्जामिनर. तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं. कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्टिव यूजर्स ऑफ फेसबुक कितने हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज सोशल मीडिया इन फिगर्स. ठीक है, हाउ मच डेटा एंड एवरेज कंज्यूमर, और मेरे पास वो मैं पढ़ रहा था अमेरिकन जो है, एक एवरेज अमेरिकन है, पता नहीं 2019 की रिसर्च है, थोड़ी सी पुरानी भी है, अब रिसेंट कर लो. एन एवरेज कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूम्स, इसमें है आई थिंक एज पर, हाँ भाई मैं क्विक लिख देता हूँ ना जरा, 34 GB ऑफ डेटा एंड एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स, ये 2019 की है प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर, पर आई होप आपको बात समझ में आ रही है. तो अभी आप क्वेश्चन पे नहीं आए हो, आपने सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को मैग्निफाई करें, सोशल मीडिया है किस जिन का नाम, इसलिए सारी इंडस्ट्रीज पागल हो रही हैं और वो कह रही है मैं सोशल मीडिया के थ्रू करना, बिकॉज ऑडियंस इज ऑलरेडी देयर.
हमें ऑडियंस को लाना नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को तरीके से स्टेटिस्टिकली स्मार्टली शोकेस करना है। ओके, उसके बाद आपने अपनी केस स्टडीज इंट्रोड्यूस कर दी। और लेट्स से पहली केस स्टडी है आपकी, चलो 1 by 1, एंड आफ्टर ईच केस स्टडी मेक श्योर टू रिलेट, ये कैपिटल कैपिटल होना चाहिए, रिलेट इट टू द क्वेश्चन। टू लेट द, ये बड़ी गोल्डन बातें बता रहा हूं मुन्ने, आपको बस पता चल जाए ना, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज का एग्जामिनर भी हूं, मैं उनके पेपर भी चेक करता रहा हूँ, मतलब सैंपल पेपर्स कह लो, पाकिस्तान से वो चेक नहीं कराते, इतनी इज्जत नहीं देते अभी हमें। और उनके ऑनलाइन जब हमने कोर्सेज अटेंड किए हैं जिसपे हमसे टेस्ट सैंपल क्वेश्चंस चेक करवाते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि आपकी चेकिंग कैसी थी, तो ओवरऑल यू नो वी आर अ कम्युनिटी ऑफ मीडिया स्टडीज टीचर्स ऑनलाइन इंटरनेशनली, तो दैट्स व्हाई आई नो किस चीज कौन सी चीज उनको अच्छी लगती है और कौन सी चीज उनको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, सो एग्जामिनर को लगता है कि कैंडिडेट रटी रटाई इंफॉर्मेशन जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब टोटली ऑफ द ट्रैक कैंडिडेट हो गया, ये ना हो। तो हमने हर केस स्टडी के बाद दो केस स्टडी तो मिनिमम लिखनी ना आपने, दो फिल्म्स एज एन एग्जांपल लिखनी है आपने, टू लेट एग्जामिनर नो दैट यू आर कंप्लीटली ऑन द ट्रैक। ठीक है, इसके बाद लिखोगे आप और यूज अच्छा यहाँ पे होगा यूज कनेक्टिव्स, मेरे ख्याल से कनेक्टिव्स ही होते हैं ना ये, चलो मैं लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, लाइक मोर ओवर सिमिलरली स्पेलिंग सेम एज, तक यानी इसी तरह। अब आगे हम चल रहे हैं, इस तरह के वर्ड यूज होने चाहिए। अच्छा, टाइम फॉर योर सेकेंड केस स्टडी, आई नीड टू सी इफ माई कॉल, होल्ड ऑन अ सेकेंड। हेलो, आई थिंक नजीब इस, क्या मैं बोलूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। He's calling me during my lesson. This is so awesome. अच्छा, उसके बाद time for your second case study, यार you know I mean जो बोलते यार second case study, ठीक है, अब वो लिखोगे connective case use करते हुए, और उसके बाद relate it again टू द क्वेश्चन, ये भी जरूरी है, और ये तो वैसे ही है ना, मतलब और नाइसली कंक्लूड करना आपने। ठीक है, स्मार्टली यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन वंस अगेन, और कंक्लूजन जो होगा वो सम 4 to 6 सेंटेंसेस होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं लिखना। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो बहुत ही ऑसम रिस्पॉन्स बनेगा। सो हमारा जो क्वेश्चन था, टू व्हाट एक्सटेंट हैज सोशल मीडिया ऑल्टर्ड हाउ मीडिया प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड, आपके पास दो फिल्म्स अपनी रेडी हैं, आपने उस पर रिसर्च की हुई है, कौन कौन सी रिसर्च आपने की हुई है या करनी चाहिए है या करनी चाहिए थी, ये वाली रिसर्च कि आपकी जो दो फिल्म्स हैं उसकी मार्केटिंग कैसे 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 की गई, ऑडियंस को कैसे कैसे टारगेट किया उन्होंने, कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी, दैट इज पोस्टर बिलबोर्ड्स
और सिनेमा के ट्रेलर्स और टीवी के ट्रेलर सैटेलाइट चैनल्स पे, और कन्वेंशनली जो उनकी स्टार कास्ट जो है वो शोज में जाती है और चैरिटी शोज में जाती है और कॉमिक कॉन्स में जाती है और एनबीए और इस तरह की जो सेरेमनीज में जाती है, जैसे पीएसएल की सेरेमनी पाकिस्तान में हो तो एक कोई फिल्म की कास्ट चली जाए, कलेबरेशन होती है ना, यह है कन्वेंशनल वे। और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने कैसे कैसे मार्केटिंग की, या इन अदर वर्ड्स टारगेट द ऑडियंस किया, या इन अदर वर्ड्स ऑडियंस से कैसे कैसे उनकी एडवर्टीजमेंट को या प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। एंड कंजम्पशन डजंट मीन ओनली वॉचिंग द एंटायर फिल्म, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी कंजम्पशन में फॉल करेगी। यानी आपने अपनी दोनों फिल्म्स की ये चीजें, फिर ओनरशिप, आपकी फिल्म प्रोडक्ट को केस स्टडी को कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस ओन करते हैं, और शूट प्रोडक्शन हाउसेस खाली उसका काम नहीं होता, वो जो आउटसोर्स करते हैं मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मार्वल डिज्नी वार्नर ब्रॉस और ये जो बड़े बड़े हैं जाइंट्स, चलो ये तो, और यूनिवर्सल स्टूडियोज, इनकी अपनी ही प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एजेंसीज और कंपनीज होती हैं। इसके अलावा भी बेशुमार प्रोडक्शन हाउसेस है ना जिनकी अपनी कंपनीज नहीं है, तो वो फिर आउटसोर्स करते हैं, कलेबरेशन करते हैं मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर ओनरशिप में वो लोग भी आ जाएंगे। तो आपको ये रिसर्च की होगी आपने, फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, आपकी केस स्टडी, आपकी फिल्म को किस किस टेक्नोलॉजी यूज किया गया, अगर वो प्रोडक्शन में पूछते हैं तो शूटिंग में, अगर वो ओवरऑल क्वेश्चन आता है तो मार्केटिंग किस टेक्नोलॉजी से किस की गई, शूटिंग किसके थ्रू की गई, एंड ब्ला 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 ब्ला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आपकी फिल्म में एवटार टाइप नहीं है, अगर आपकी एनिमेटेड फिल्म नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वो कन्वेंशनल कैमरा 4K लिख दोगे आप, 8K लिख दोगे, आईमैक्स लिख दोगे, उन्होंने जेस्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी लगा दी, दिस एंड दैट, ग्रीन स्क्रीन, VFX, SFX, ये कुछ ज्यादा नहीं लिख पाओगे आप। तो ये क्वेश्चन हमें चॉइस पे छोड़ना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, ठीक है, और ओनरशिप का भी नहीं, बाकी भी नहीं। एनर्जी कन्वर्जन बहुत दफा कर चुके हैं, स्टार्ट हमने रिवर्स ऑर्डर में किया है, सो ये जो बात है दिस इज इम्पॉर्टेंट। वेल आई वुड लाइक यू टू आस्क मी क्वेश्चंस नाउ। मैं आपको, अच्छा एक और क्वेश्चन पहले जल्द से टच कर लें, दूसरा एक और क्वेश्चन है कंजम्पशन का। ये हमारी जो डिस्कशन है नहीं, कंजम्पशन के, मार्केटिंग के, हर तरह के क्वेश्चन के लिए इक्वली मीनिंगफुल है। एनालाइज हाउ मीडिया इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू एंगेज विद देयर ऑडियंसेस। अब इसमें प्लेटफॉर्म जो मैंने बात की, सोशल मीडिया एक चीज है, उसके अलावा दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म जिस चीज के थ्रू वो मार्केटिंग करते हैं वो सारे उसमें फॉल करेंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक पेपर है। उसके अलावा अब आप देखो कितना ये बार बार आ रहा है, टारगेट देयर ऑडियंस, 2020-21 में उनको टारगेटिंग, मार्केटिंग, ऑडियंस कंजम्पशन का ही ख्याल आता रहा है, तो देर इज अ चांस कि शायद इस दफा भी आ जाए, शायद, इट डजंट मीन कि ये करना बाकी नहीं करना। उसके बाद जून 2022 में, 2020 में भी कंजप्शन का क्वेश्चन है, और उसके बाद ये मार्केटिंग की हुई है तो वहां से कंजम्पशन भी हुई होगी, तो इसको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, तो एक हमें ट्रेंड नजर आ रहा है। सो यू कैन ऑलमोस्ट आंसर दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। और अगर मैं आपको देखो, नोट्स आपके पास है, मैंने जिस आपको थोड़ा सा याददाश्त रिफ्रेश करवाई है, डिस्कशन रिफ्रेश किया है, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गिव यू सम क्वेश्चन एंड यू विल आंसर इट। और अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो अपने लिए खुद ही टाइम सेट कर लो कि मैंने 40 मिनट्स में करना है और सबको भेज देना है। वैसे मैं इसको भी टाइम बाउंड नहीं कर रहा, अगर आपने नोट्स खोल के करना है तब भी कर लो, कोई मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर नोट्स बंद करके करो, देखो कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन अगर नोट्स खोल के करना चाह रहे हो तो, क्योंकि इसके मार्क्स तो इसके मिलने नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आपकी मर्जी पे है, अगर नोट्स खोलने पड़े तो इट मीन्स इट्स अलार्मिंग सिचुएशन कि आपको क्यों नोट्स खोलने पड़े हैं। रिसर्च आपको शायद थोड़ी सी और करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की, थोड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने के लिए, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स गेट इंटरेस्ट व्हेन समबडी टेल्स एंड टॉक्स अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। आई थिंक आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर थिंक।